अगर आपकी भी मशीन चलते चलते इस तरीके से बहुत ही भयंकर तरीके से, देखिए जैसे ये वाइब्रेट कर रही है, वाइब्रेट करने लग जाती है, तो आज मैं आपके लिए इस चीज़ का सोल्यूशन लाया हूँ। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, पूरा ट्यूटोरियल है किस तरीके से मशीन को खोला जाता है। तो पहले सबसे पहले मशीन का जो बैक का कवर होता है उसको खोल लेते हैं, और जो ऊपर की तरफ जो इसका लिट होता है उसके भी जो नट वगैरह खोल लिए जाते हैं। उसके आगे का प्रोसीजर मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि उस समय जब ये मैं कंप्लीट काम कर रहा था तो जल्दबाजी में वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन आगे की आपको बहुत ही आसान है ये जो इसके नट बोल्ट वगैरह खोलना, और बाकी आप इस वीडियो में बारीकी से देख सकते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसके बोल्ट खोलते जाएंगे एक साइड में रख दीजिए, और बाकी ट्यूटोरियल आप देखते रहेंगे, आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये इसकी मेन वायरिंग सॉकेट वगैरह है। तो सॉकेट को बड़े ही ध्यान से रखा जाता है एक पॉलीथीन के अंदर पैक करके, ताकि इसके अंदर गलती से जब आप वॉशिंग मशीन वगैरह धोते हैं या पानी वगैरह इसके ऊपर गिरता है या फिर बरसात में पड़ी है तो कोई नुकसान ना हो जाए, इस सॉकेट में पानी ना चला जाए। तो इसको इसी तरीके से रखा जाता है, बाद में जब हम इसे दोबारा से पैक करेंगे तो वापस से पॉलीथीन के अंदर बंद करके ही पैक करेंगे। तो अगर आप नए हैं, अगर आप नया काम कर रहे हैं, तो जैसे जैसे सॉकेट या फिर कनेक्शन को ओपन कर रहे हैं सबकी इमेज या फोटो खींचते रहिए, ताकि आपको बाद में इसकी प्रॉब्लम ना हो। तो हम बात करते हैं जब हमारी वॉशिंग मशीन इस तरीके से बम्बल करने लग जाती है, बहुत ही ज़्यादा भयंकर तरीके से हिलने लग जाती है, क्योंकि हमारे साथ ऐसे हुआ था कि हमारी जो वॉशिंग मशीन थी, जब हमने इसके अंदर कपड़े डालने के बाद जब ये सुखाने के कंडीशन में आया, मतलब ये थोड़ी सी खाली हुई वॉशिंग मशीन से इसका पानी निकला, तो ये बहुत ही ज़्यादा हिलने लगी। हिलते हिलते ये अपनी जगह से लगभग 3-4 फीट सरक गई, और जो ड्रेनेज सिस्टम का जो पानी होता है, ड्रेनेज पाइप होता है, वो जो मेन ड्रेनेज पाइप से निकल के बाहर की तरफ आ गया, और पूरे रूम के अंदर पानी ही पानी हो गया। तो ऐसी कंडीशन हमारे साथ हुई, तो हमने जो कस्टमर केयर में कॉल किया, और ये भैया है हमारे सर्विस करने के लिए आ गए, और इन्होंने जो से कंप्लेंट लगवा दी। कंप्लेंट लगाने के बाद हमें पता चला कि इसके जो शोकर है वो ख़राब हो चुके हैं। शोकर जैसे बाइक के अंदर सस्पेंशन होते हैं, उसी तरीके से इसके अंदर भी शोकर सिस्टम होता है जो इसको जो बैलेंस को बराबर रखता है। ये शोकर ख़राब होने की कई चीज़ें हो सकती है अपने आप, जैसे स्प्रिंग होते हैं, स्प्रिंग ख़राब होने की वजह से भी हो सकता है, या फिर ज़्यादा समय तक जो वॉशिंग मशीन होती है वो अनबैलेंस रहती है, मतलब जो इसका फर्श है उसका बैलेंस बिल्कुल भी सही नहीं रहता, तो इस वजह से उसके शोकर ख़राब हो सकते हैं। तो ये हमारी वारंटी पीरियड में थी, हमें नए शोकर मिल चुके थे, नए शोकर भैया ही ले आए थे। अब आपको दिखाएंगे किस तरीके से इन शोकर्स को बदला जाता है। तो ये शोकर्स है, और इसके साथ में ऊपर का कैप आता है, जो भाई एक कैप था वो गिर चुका था, तो कैप का इतना इशू नहीं होता। मेन होता है जो शोकर की स्प्रिंग होता है उसका सिस्टम, मतलब बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से ही ये शोकर अपनी जगह से बहुत ज़्यादा हिलने लग जाते हैं, या तो ज़्यादा टाइट हो जाते हैं या लूज़ हो जाते हैं। तो शोकर्स को इस तरीके से यहाँ से फंसा लिया जाता है, नीचे की तरफ जो छेद दिए होते हैं उसके अंदर से शोकर्स को ऊपर की तरफ निकाल लिया जाता है। इस शोकर सिस्टम पे ही पूरी जो वॉशिंग मशीन टिकी होती है। तो जब शोकर ख़राब हो जाते हैं तो वॉशिंग मशीन इस तरीके की प्रॉब्लम देने लग जाती है। अगर आपकी वॉशिंग मशीन के साथ भी ऐसा कुछ हो तो मेन सिस्टम यही है, मेन रीज़न यही है कि आपकी वॉशिंग मशीन के जो शोकर है वो ख़राब हो चुके हैं। तो आपको जल्दी से जल्दी अपने वॉशिंग मशीन के शोकर चेंज करवा दीजिए, करवा लेने चाहिए, नहीं तो ऐसी कंडीशन होगी, आप अपनी वॉशिंग मशीन कहीं लगा के गए हैं, आप सोचे कि हम मैं इतनी देर में दूसरा काम कर लूं, तो इतने में वॉशिंग मशीन अपनी जरा से सरक के दूसरी जगह पहुंच सकती है, जो पानी के कनेक्शन है वो लूज़ हो सकते हैं, कुछ और नुकसान हो सकता है। तो ऐसे पहले आप जल्दी से जल्दी इसको सही करवा लें। तो ये देखिए, दो पीछे के शोकर और दो ये आगे के शोकर भैया ने निकाल दिए हैं, और इसकी जगह नए शोकर फिट करने शुरू कर दिए हैं।
हमारी वॉशिंग मशीन के चारों शॉकर पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुके हैं। तो इसी कंडीशन में भैया पूरा देख रहे हैं बैलेंस सही है या नहीं है, कहीं कहीं से ज़्यादा झुकी तो नहीं हुई है। जो ड्रम है इसको पूरे सही तरीके से चेक करके रखना चाहिए, नहीं तो आगे फिर ये प्रॉब्लम दे सकता है। तो चारों तरफ का बैलेंस एकदम बराबर हो, तो पहले हमने वॉशिंग मशीन को डिसमेंटल जिस तरीके से किया था उसी तरीके से वापस इसे असेंबल करेंगे, वापस इसे इसका कंप्लीट इंस्टॉलेशन करेंगे, उसके बाद में मैं आपसे आगे बात करता हूँ।
तो हमारा वॉशिंग मशीन का जो इंस्टॉलेशन है, जो असेंबलिंग है, कंप्लीट हो चुकी है। अब भैया हमें वॉशिंग मशीन चला के दिखाएंगे। कोई प्रॉब्लम है, फिर से जो मिस बैलेंस होती है या फिर बैलेंस आउट हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में फिर से कोई ना कोई अंदर से सेटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन हमारी वॉशिंग मशीन बिल्कुल सही तरीके से चल रही है, तो मतलब जो शोकर का प्रॉब्लम था वही मेन प्रॉब्लम था, इस वजह से ये वॉशिंग मशीन हमें परेशान कर रही थी। तो दोस्तों ये है मेन रीज़न आपकी वॉशिंग मशीन का, इस तरीके से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करना, वाइब्रेशन करना, या फिर कुछ ऐसे अपनी जगह से हिलकर दूसरी जगह पे चले जाना। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।